Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Pelletots Public Service Secondary School, Bardmer. As you know, we were reading back in that speech, and now we start with lead, rule number 3. If condition or imagination comes in important speech, then set replaced with told to and let replaced with the might. We use condition that when we make this type of sentence. लास्ट टू वीडियोस के अंदर लेट का फर्स्ट और सेकंड रूल हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी लेट का रूल नंबर 3 है। इसके डायरेक्ट इंटरनेट स्पीच बनाते समय ये 3 रूल से लेट के आपको थोड़ा समझना होगा। इसको क्या देख रहा है, कंडीशन या इमेजिनेशन, या तो क्या हो शर्त, या क्या हो कल्पना। अगर इस लेट वाले सेंटेंस के अंदर शर्त या कल्पना दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, कम्स इन इंपोर्टेड स्पीच देन, सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड टू में, और लेट किस में रिप्लेस हो जाएगा, माइंड के अंदर, और कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, दैट, और सेंटेंस को बता देंगे। बहुत सिंपल सा रूल है इसका, है ना। देखते हैं इसको, अपने क्या चाहिए। उसमें लास्ट वाली वीडियो में क्या था कि भाई रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, इसमें क्या है, कंडीशन हो या इमेजिनेशन हो, है ना। तो कंडीशन और इमेजिनेशन के अंदर सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब सेट टू हमेशा टोल्ड में चेंज होगा, कंजक्शन दैट लगेंगे और लेट की जगह क्या लिख देंगे हम, माइट। देखो, He said to Ram, let him be smart, but he cannot excel you. उसने राम से कहा कि उसे स्मार्ट बने दो, लेकिन वह तुमसे स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता। तो किस तरीके से बनाएंगे हम, अब let him be smart, but he cannot excel you, तो ये क्या है, कंडीशन है। उसे स्मार्ट बनने दो, कंडीशन क्या कहती है, अगर स्मार्ट बन भी गया तो भी वह उसके जितना स्मार्ट नहीं बन पाएगा, है ना। जब कंडीशन दे रखी है सेंटेंस अंदर, तो 3 रूल्स आपको माइंड में रखने हैं, कंडीशन और इमेजिनेशन, 2 वर्ड्स माइंड में रखने हैं। लेट का जो 3rd रूल है कंडीशन इमेजिनेशन के बेस पे है। इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट विद लेट एंड कंडीशन और इमेजिनेशन बी गिवन, देन वी चेंज सेट टू इनटू टोल्ड एंड लेट इनटू माइट एंड कंडीशन एंड वी यूज कंडीशन दैट। तो 3 टाइप्स आपको ध्यान रखनी है, सेट टू का टोल्ड में चेंज होना, लेट का माइट में, और कंजक्शन दैट। बस सेंटेंस बना देना आप, देखने कैसे होता है। ही का ही सेड टू का टोल्ड राम, कंजक्शन दैट। अब देखो हिम कौन सा पर्सन है भाई, हर थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होगा तो चेंज थोड़ी ना होगा, हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अब ही हो जाएगा, और लेट की जगह क्या हो जाएगा, माइट आ जाएगा, बी की जगह बी, स्मार्ट की जगह स्मार्ट, बट की जगह बट, ही की जगह ही, कैनॉट की जगह कैनॉट, एक्सेल की जगह सेम। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, और राम का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। आया समझ में, यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, राम का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप भी आपको याद ध्यान रखना है। फिर से देखते हैं सेंटेंस, वी सेड टू राम लेट हिम बी स्मार्ट बट ही कैनॉट एक्सेल यू, ही टोल्ड राम दैट ही माइट बी स्मार्ट बट ही कैनॉट एक्सेल हिम। थोड़ा सा दिमाग लगाना, चलो ये तो आपका कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे माइट का यूज क्यों हुआ, सोचो जरा इस चीज को, सेंटेंस को देखो। माइट का जब मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल में इसका क्या यूज होता है, मैंने आपको मॉडल पढ़ाया था माइट का, और माइट मैंने आपका क्या बताया था, अगर आपको कुछ याद हो तो, रिमोट चले पॉसिबिलिटी, किसका यूज था ये, अरे आया नहीं माइट का। तो रिमोट पॉसिबिलिटी, देखो सेंटेंस को समझना कि वह उसे स्मार्ट बनने दो, यानी कि स्मार्ट यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है स्मार्ट बनने की, पर अगर बन भी गया हो तो वह उससे स्मार्ट नहीं हो सकता। तो माइट का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, लिए होता है ना, तो दैट ही माइट बी स्मार्ट, वह स्मार्ट बन सकता है, ना के बराबर संभावना है। जब वो स्मार्ट ही नहीं बनेगा तो उसके लेवल में कैसे पहुंचेगा, ना के बराबर संभावना है, और बन भी गया, बन पड़ गया तो उसके लेवल में वो नहीं आ पाएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी है।
तो साथ साथ माइंड का ऐसे डिसीजन निकलने का रिमोट पॉसिबिलिटी है ना, हमने मॉडल बना था ना, देर आर स्काई इज क्लियर नाउ या देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट रेन टुडे है ना, द स्काई इज फुल विद क्लाउड्स देन इट मे रेन टुडे, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी के मे का यूज होता था और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता था। तो ये लैंड का अपना जो है हर रूल था, लैंड के सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अपने, तो इस तरीके से हमने जो है इस डायरेक्टर के टॉपिक को पढ़ा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट डाल देना, नहीं तो अपने दिमाग नहीं पाते अपने क्लासेस शुरू होती है तो फिर आप इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एडवांस में कल मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली है ना, और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और नेक्स्ट हम मिलेंगे दीपावली के बाद में, ऑफलाइन होगा तो फेस टू फेस एंड ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन क्लासेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी दीपावली अगेन, आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।